अगर आपको भी स्पाइसी मैगी खाना पसंद है तो इस कोरियन स्टाइल मैगी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आजकल ये रेसिपी इंटरनेट पे वायरल हो रही है, तो सोचा क्यों ना हम भी इसे ट्राई करें। मुझे तो ये बहुत पसंद आई, आप भी इसे बनाएं और हमें बताएं आपको ये कैसी लगी। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोरियन स्टाइल मैगी की रेसिपी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम लेंगे मैगी का एक पैकेट। मैगी और टेस्ट मेकर दोनों को ही अलग कर लेंगे और टेस्ट मेकर वाला मसाला हम इस बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच रोस्ट करे हुए तिल यानी कि सेसमे सीड्स। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर है मेरे पास रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ये ना हो तो आप हॉट एंड सार सॉस का भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच ये डाल लें, फिर इसमें डालें एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फाइनली इसमें डालें एक छोटा चम्मच सोया सॉस। अब गैस पर मैंने रखा है एक तड़का पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल को गर्म हो जाने दें, फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। ओकेजनली स्टर करते हुए लहसुन को सौते करें, हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज हो जाए गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इस गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑयल को इन मसालों में डाल दें। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स आएंगे, सारे ही फ्लेवर्स अच्छे से ये ऑयल अब्सॉर्ब कर लेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और ये हमारा कोरियन स्टाइल मैगी के लिए मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसे साइड पे रख दें ताकि फ्लेवर्स अच्छे से सीप इन हो जाएं और जितने बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। पानी को एक बॉइल पे आने दें और अब हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट मैगी। मैगी को यहाँ पे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉइल करना है। जी हाँ, एज पर इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली फॉर 2 मिनट्स हमें इसे बॉइल करना है। वैसे तो मैगी बनने में कभी भी 2 मिनट नहीं लगते, पर इस केस में आपने सिर्फ घड़ी देख के 2 मिनट्स ही बॉइल करना है, ओवरकुक नहीं करना है। मैगी सिर्फ 70-80% कुक होनी चाहिए। तो ओकेजनली स्टर करते हुए हमने मैगी को बॉइल कर लिया है, गैस की फ्लेम को बंद कर दें और मैगी को स्ट्रेन कर लें। मैगी का सारा पानी हटा दें। मैगी को पानी से एक और बार रिंस कर लें ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और अब इस स्ट्रेन्ड मैगी को हम इन मसालों के अंदर डालेंगे। अब फोक्स की मदद से इन्हें अच्छे से मसालों से कोट कर लें। मैगी को अच्छे से टॉस करें। मैगी यहाँ पे आपकी टूटेगी नहीं क्योंकि मैगी गर्म नहीं है, क्योंकि हमने मैगी को ठंडे पानी से रिंस करा था तो मैगी का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो चुका है। अच्छे से मैगी को इस मसालों से कोट कर लें और आपकी कोरियन स्टाइल मैगी बिल्कुल तैयार है। अब इसे दूसरे प्लेटर पे करते हैं सर्व। आप भी अपने हंगर पैंग्स को मिटाने के लिए, मिडनाइट क्रेविंग्स को सैटिस्फाई करने के लिए एक बार इस यूनिक स्टाइल की मैगी रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये कोरियन स्टाइल मैगी रेसिपी मुझे तो बहुत पसंद आई, आप भी बनाएं और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।